गुड मॉर्निंग, मैं मिस मेनू लिंडा कक्षा 5 की हिंदी शिक्षिका हूँ। आज हम लोग पार्ट 2 अध्ययन करेंगे। पाठ का मुख्य शीर्षक है हंस किसका। यहाँ हंस किसका पाठ जो है उसका मुख्य उद्देश्य दया एवं करुणा का भाव प्रकट करना, पशुओं के प्रति प्रेम, संवेदनशीलता, न्याय भाव आदि पर आधारित है। हम लोग आज देखेंगे कि किस प्रकार प्राचीन समय में, प्राचीन समय मतलब पुराने काल में, राजा महाराजा की कहानियाँ हुआ करती थी। उनमें से एक कहानी है हंस किसका, उसमें प्राचीन काल की बात बताई गई है, जहाँ मगध में सुद्योधन नामक एक राजा रहते थे, राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बहुत ही दयालु था। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई देवदत्त भी था। देवदत्त अत्यंत कठोर प्रवृत्ति का था। उसे शिकार करने में बहुत ही आनंद आता था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ बाग में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक हंस उसके सामने आकर गिरा। उसके शरीर में तीर चुभा हुआ था और वह दर्द से छटपटा रहा था। हंस की छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो गया। द्रवित का मतलब होता है पिघलना। उसने तुरंत घायल हंस को अपनी गोद में उठा लिया। फिर धीरे से उसके शरीर से तीर निकाला और घाव धोने लगा। तभी हंस को ढूंढता हुआ देवदत्त वहां आ गया। हंस सिद्धार्थ की गोद में था। देवदत्त बोला, सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए यह मेरा है। हम लोग देखेंगे कि हम लोग जानते भी हैं, ये बोलचाल की भाषा भी है और ये हकीकत बात भी है कि मारने वाला से ज़्यादा बड़ा बचाने वाला होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार देवदत्त जो है वो उस पक्षी की प्राण लेने पर तुला हुआ था और सिद्धार्थ उसे बचाने पर। अब हम लोग देखेंगे, नीचे देखिए, यहाँ पर सिद्धार्थ बोला, देवदत्त, तुमने इस निरपराध पक्षी को मारकर अच्छा नहीं किया है। निरपराध का मतलब होता है जो अपराध ना किया हो। मैंने इसे बचाया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार सिद्धार्थ देवदत्त से कहता है कि उसने एक निर्दोष पक्षी की हत्या करने की कोशिश की है और सिद्धार्थ उसे बचाया है, इसीलिए सिद्धार्थ उस पक्षी को देने से इनकार कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अभी जो पढ़े हैं उसमें से हम लोग क्या क्या सीखें, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि बिना दोष किसी भी जीव या किसी भी प्राणी की हत्या या फिर मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और मारने वाला से ज़्यादा बड़ा बचाने वाला होता है, इसीलिए हमें लोगों की रक्षा करनी चाहिए, जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए।